सो इन दिनों मेरे लाइफ में कुछ ज़्यादा खास हो नहीं रहा था। पानी को देखते देखते सोच रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों से मिला, घूमा फिरा, सोचा आगे कुछ बदलूँगा, कुछ बदलेगा, लेकिन नहीं बदला। ऐसे में कभी मेरी बाइक ख़राब हो जाती है तो कभी परेशान हो जाता हूँ कि आगे क्या होगा। इतने में एग्ज़ाम भी आने वाला है। अब इन बाइक भाई साहब को कैसे समझाऊँ कि पैसे तो है नहीं, बार बार ख़राब हो जाते हो। तो ऐसे में आइसक्रीम खाते खाते मुझे ये ख्याल आया कि जब कुछ समझ ना आए तो बैठकर ज्ञान बांटकर कंटेंट बना लिया जाए। तो ये वीडियो बिग बॉस OTT Season 2 देखने वालों के लिए, अदरवाइज आप लोग जा सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए शायद बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। और मैं चाहता नहीं कि मैं आपको बोर करूँ। तो मैं ना पहले वीक से ही देख रहा हूँ बिग बॉस OTT Season 2, ठीक है ना। तो मतलब पुणे सुपरस्टार फोकरा जब आया था तब से ही मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली आप यूट्यूबर लोग गए हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं रिलेट कर पाऊंगा। और मुझे लगता है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी उनके वजह से ही गए थे बिग बॉस देखने के लिए, ठीक है। वरना फिर OTT में Season 1 आया था, कब आया था, करण जौहर ने उनको मतलब रिप्रेजेंट किया था जो भी सलमान खान के बदले, तो किसी ने देखा नहीं भाई। मतलब मुझे पता है, ठीक है, आप लोग में से आधे ऑडियंस जो भी हो वो मतलब ये देख रहे हो या इनके बारे में सुने हो तो वो यूट्यूबर के कारण, ठीक है ना, और इन्हें उनकी ही बेइज्जती करनी है। अब मैं ना मतलब सैटरडे को वीडियो बनाने वाला था इस बारे में कल परसों, लेकिन कल तो हुआ क्या ना कि मैं संडे तक वेट किया कि मुझे लगा कि जो कुछ हुआ है घर पे वो मतलब संडे को शायद सलमान खान फिर से आएंगे तो शायद वो अच्छे से समझाएंगे या बोलेंगे उसको। लेकिन अभी मैं कल जब रात को मैंने देखा वीडियो बिग बॉस का देखा, ठीक है, तो फिर मैं समझ गया, एक चीज़ में समझ गया कि पूरा बायस्ड है पूजा भट्ट। अभी लगता है ना मुझे कि बिग बॉस में ना कुछ कंटेस्टेंट रहते हैं जिनको एक्चुअल में गेम खिलाया जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बॉलीवुड के होते हैं जिनका इमेज क्लीन करना होता है, जिनको वो जाते हैं और वहां पर अपना इमेज को क्लीन करते हैं। जैसे पूजा भट्ट में बता दो, इतना ज्यादा ज्ञान फैलती है, इतना ज्यादा ज्ञान फैलती है भाई, तो नशेड़ी है वो, ठीक है, नशेड़ी है। पैसों के चक्कर में बाप के साथ किस करके वो फोटो डाल देती। खैर मैं ज्यादा कुछ होता नहीं बोलने वाला, जो भी है मतलब वो खुद एडमिट करती है, ठीक है। मेरे मेरे बात को ज्यादा हाइप में मत ले जाना कि वो ऐसा बोल रहा है, ऐसे लैंग्वेज यूज कर रहा है। वो खुद बोलती है कि मैं शराब पीती थी, मैं स्मोकिंग करती थी, मुझसे रहा नहीं जाता था पहले, तो वो खुद जब एडमिट करती थी, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी ना वो अपना इमेज क्लीन करने के लिए यहाँ पर आई है। मे भी आगे चल के उनको कुछ काम करना होगा, जैसे संजय दत्त एक मूवी आया था संजू, तो उसका इमेज एक होता है ना क्लीन हो जाता है ऐसे। और लास्ट टाइम एक कोई डायरेक्टर था ना जो MC स्टैन के साथ वाले शो में आया था, तो वही वाला हिसाब है। तो ये जीतने के लिए नहीं आते गेम, ये आते हैं अपना इमेज क्लीन करवाने के लिए, इसीलिए सलमान खान इनको टारगेट नहीं करता। मुझे लगता है यही आंसर है जो मतलब काफी लोग सोच रहे हैं ना कि पूजा भट्ट को क्यों नहीं कहा, फुकरा साहब ने क्यों बोला, पूजा भट्ट इंपॉर्टेंट है ब्रो। ऐसा नहीं है, अगर वो कंटेस्टेंट होते तो उनको भी अच्छे से पेलते सलमान खान, ठीक है, लेकिन नहीं पेलेंगे कि नहीं कुछ बोलेंगे उनको, क्योंकि रीजन यही है कि वो जीतने नहीं आई है, वो कंटेस्टेंट नहीं है, वो मतलब अपना इमेज को क्लीन कराने के लिए बिग बॉस में आई है, ठीक है। और जहां तक रहा बात की फुकरा इंसान का, तो बार मैं उसको मेच्योर समझता था, यहाँ से वो गेम को समझता था, लेकिन ना वो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमेच्योर टाइप का बोल देता है, ठीक है। हालांकि सपोर्ट में हूँ, अच्छा कर रहा है वो, ठीक है, लेकिन ना वो थोड़ा सा इमेच्योर टाइप का, वो एल्विस से लड़ जाता है, PR नेगेटिव क्या क्या बोल रहा था कि वो करवा रहा है, ठीक, करवा के आया, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लगता, ठीक है। और एल्विस को पता होगा कहीं ना कहीं का, शायद वो जीतेगा नहीं बिग बॉस, जो भी है फुकरा जीतता, लेकिन ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है ना, इंसान को थोड़ा सा डाउन कर देता है। और दोनों ही खास, कोई भी जीते यार, मुझे तो दोनों ही पसंद है। हालांकि पहले मैं सोचता था कि अभिषेक जीत जाए, लेकिन अभी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार एल्विस का जो टोरा है ना वो मतलब होता है ना, मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करता था इनको, मैं जानता था इनको पर ज़्यादा फॉलो नहीं करता था, बट एल्विस यादव यार उसमें मतलब उसके बाद उस बंदे का अपना कुछ और है, अपना कुछ एक है, ठीक है। तो इतना ही बोलना था, ज़्यादा मैं बिग बॉस के मैटर में ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, मुझे हाँ मैं देख शुरू से रहा हूँ, कई लोग तो जो देखते नहीं है और मतलब फिर भी आ जाते हैं वो रील वगैरह में व्यूज लेने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने पहला अटेम्प्ट किया है, मेरा ये पहला वीडियो बिग बॉस के ऊपर, ठीक है, मुझे देखना कि कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। 50-60 लोग देखेंगे अगर तो फिर नेक्स्ट वीडियो नहीं बनेगा, लेकिन अगर ज़्यादा अच्छा खासा व्यू आ गया तो मैं जरूर आई थिंक 2-3 वीडियो और डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि
पूजा भट्ट को लेके ज्यादा सोचना ही नहीं है, क्योंकि उसको वो सुनाने वाला है नहीं है और वो उसका मकसद कुछ और है। ठीक है, बिग बॉस में वो फोन वोन यूज करती है, 100% यूज करती है, 100% उसको जो मेडिकल रूम के बहाने उसको लेकर गया था वो समझाने के लिए लेकर गया था कि तू देख ऐसे करना वैसे करना। ठीक है, तो वो उसको छोड़ दो। और जहां तक रहा बात की रूल्स का, तो मुझे लगता है कि बिग बॉस में ये रूल है कि इस बारे में कोई बताएगा नहीं बाहर, तो मुझे लगता नहीं कि एलविस और फुकरा जो भी बाहर आएंगे तो इस बारे में बात करेंगे वो, मुझे नहीं लगता कि करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है यार, तो इसीलिए। ठीक है, तो आपको मेरा ये ओपिनियन या फिर जो ऑब्जर्वेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, अगर आप देखते हो बिग बॉस तो, अगर नहीं देखते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बोरिंग होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए ही मैं बोल रहा हूँ, और कुछ मैंने स्क्रिप्ट नहीं किया, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था, कुछ लिख के नहीं रखा था, मुझे जो लगा जो पॉइंट्स लगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये कि अब से थोड़ा सा गेम उसका खराब हो गया है, क्योंकि वो नेगेटिव, मुझे जितना है मुझे जितना है ये बोल के ना उसका गेम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, खराब हो गया है। एलविस चिल है, उसको भी जीतना है लेकिन वो चिल है मुझे लगता है। ठीक है, मुझे वो मुझे लगता है कि वो चाहता है कि या तो मैं जीतूं या तो फुकरा जीते, लेकिन फुकरा जब बोलता है ये बात को कि या तो मैं जीतूं या मनीषा जीते या फिर वो एलविस जीते, वो इस बात को मीन नहीं करता, उसको खुद जीतना है, पहला बात। ठीक है, दूसरा ये पूजा भट्ट यार बिग बॉस उसके लिए बायस्ड है, उसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं है, मैं तो लिटरली उसका डायलॉग्स वगैरह स्किप कर देता हूँ, बहुत पकाती है यार, बहुत पकाती है। ठीक है, तो उसको तो इग्नोर ही कर दो। ठीक है, बाकी कंटेस्टेंट्स के बारे में मुझे ज्यादा बात नहीं करना, मनीषा रानी बेबिका वगैरह नहीं करना यार, अपने दो गए हैं फुकरा और एलविस, तो यही सिस्टम है, इसी के बारे में बात करना है बस। चलो इतना ही बोलना था, प्लीज। बाकी ब्लॉग में तो कुछ है नहीं यार आज का ब्लॉग, मैंने मतलब 2-3 दिन से मैं ब्लॉग कर ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, 20-30 व्यूज आ रहे हैं यार, डिमोटिवेटेड हो जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर कुछ मोटिवेशन आता है तो फिर मैं करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, करना है मुझे, ऐसा नहीं है, तो पिछले बार से तो मैं काफी ज्यादा कंसिस्टेंट हूँ इस बार, और मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो अगेन दोबारा बोल देते हैं, पीस आउट। ये जो कर रहे हो ना ये भाई, देखो तुम पे सूट सवाल पूछा जवाब दिया, देखो तुम पे सूट करता है सारी चीजें, मैं वो चीज करने नहीं आया। बोल दिया ना बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं वो सब चीजें करने नहीं आया। रिपीट कर, ये देखो बोल दिया ना बिल्कुल नहीं भाई, सेम चीज ना, ये तो बिग बॉस का घर हो गया, तुम एक स्टेप बाहर हो ना तब कर लेना। अच्छा प्लीज, तो मैं इतना मिल लूंगी तो बाहर मिलूँ? नहीं नहीं मैं आ जाऊंगा, पर मिलना जरूर, मैं मिलना ही नहीं, मेरे को एक बार प्लीज मिलना, मैं इधर लड़ाई झगड़े करने नहीं आया। तुम अच्छा ऐसे भौंक सकते हो बाहर ज्यादा, मैं इतना नहीं बोल सकता, मैं तेरे को लिख के देता हूँ ना यहाँ पे बढ़िया से कि तू बाहर निकल के ना छुपेगा। अच्छा ठीक है, नाम सुन लोग पसीने छुटते, साडा यही है टैलेंट, तेज आएगा बली।